आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। पुलिस अधीक्षक ग्रामीण आरडी चौरसिया के नेतृत्व में यूपी पुलिस और बिहार पुलिस की संयुक्त टीम के साथ बैठक संपन्न। गाजीपुर के जमालिया कोतवाली परिसर में मंगलवार को पुलिस अधीक्षक ग्रामीण आरडी चौरसिया की उपस्थिति में आगामी चुनाव को देखते हुए बिहार पुलिस और यूपी पुलिस की मौजूदगी में बैठक संपन्न हुई। आयोजित बैठक का उद्देश्य आगामी विधानसभा चुनाव को समीक्षा बैठक हुई, जिसमें आगामी चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न हो, साथ ही शराब तस्करी शरारती तत्वों पर नकेल कसने को लेकर दोनों पुलिसकर्मियों को जागरूक किया गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण ने कहा, हर हाल में चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराना सभी का कर्तव्य बनता है। इसके साथ ही शरारती तत्वों के प्रवेश को रोकने के लिए सकारात्मक कदम उठाने की जरूरत पड़ेगी, जिसमें किसी तरह का कोई कोताही बरती नहीं जाएगी। इस दौरान उन्होंने कहा, दोनों बॉर्डर पर चौकसी रखना है, जैसे गायघाट करमरहेरी देवड़ी पर बैरियर लगाई जाती है, उसके बाद भी नई बाजार धुसका खजूरी ताजपुर कुर्रा तियरक नुवान आदि गाँव के पास खड़े बंदोबस्त किए जाएंगे। आरडी चौरसिया ने दिशा निर्देश देते हुए कहा, राजनीतिक सक्रिय व्यक्ति चुनाव में व्यवधान डाल सकते हैं, इन पर विशेष ध्यान दिया जाना होगा। इस अवसर पर एसडीएम भारत भार्गव के अलावा कोतवाली प्रभारी संपूर्ण आनंद राय, इंद्रलाल भारतीयता, कमलेश पाल, अनिल सिंह, तरुण पांडे, नंदलाल कुशवा, संतोष कुमार सहित बिहार डीएसपी फैज अहमद खान, बिहार राम कल्याण यादव, दुर्गावती बिहार आदि पुलिसकर्मी बैठक में शामिल रहे। इस बाबत उप जिलाधिकारी भारत भार्गव ने कहा, यूपी और बिहार पुलिस की संयुक्त टीम के साथ समय समय पर समीक्षा बैठक का आयोजन किया जाता रहेगा। सलीम मंसूरी, ब्यूरो चीफ, गाजीपुर की रिपोर्ट। सर, किन बातों को लेकर आज जमानिया कोतवाली में इंटर स्टेट की मीटिंग की गई है? आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए हमने अपने विधानसभा में जितनी भी सीमावर्ती ऐसे क्षेत्र जो बिहार प्रदेश में ऐसे गाँव जो पढ़ते हैं संबंधित थानों में, उनको लेकर के समीक्षा बैठक हुई है। जिस प्रकार हम लोग अभी विधानसभा के तैयारियों में दूसरे प्रदेशों से मदद लेते हैं, ताकि जो है किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो, कोई आवागमन ऐसा अनैतिक या फिर कोई विधानसभा चुनाव को प्रभावित करने वाली कोई ऐसी ऐसी गतिविधियाँ ना हो, जिसकी तैयारियों के लिए आज हम लोग के द्वारा इसकी समीक्षा की गई है थानेवार। और ये समीक्षा, चूँकि विधानसभा चुनाव आगामी कुछ दिनों में इसकी तैयारियां पूर्ण करनी है, अतः ऐसे समीक्षा बैठकें होती रहेंगी। ये प्रारंभिक समीक्षा है और आगे भी इसी प्रकार हम लोग समीक्षा करते विधानसभा चुनाव को सफल बनाने के लिए अपनी तैयारियां कर रहे हैं।